हिमाचल प्रदेश में सरकार ने शिक्षा संस्थानों के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को 12 अक्टूबर से स्कूलों में 100% आने व जल्द स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने का निर्णय पर कांग्रेस पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष व सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने सही करार दिया है। हमीरपुर में विधायक राणा ने कहा कि स्कूल व जनता से जुड़े कार्यों वाले क्षेत्रों को नियमों के दायरे में खोला जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए बेहद जरूरी है। राणा ने प्रदेश में सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों को केंद्र व सरकार के द्वारा जारी की गई SOP के साथ खोलने के फैसले को सही व जरूरी ठहराया है। देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे सरकार को सिस्टम को खोलना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं कि अगर सरकार खोल रही है कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ, सरकार को आगे जो है इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप देश को बंद नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार खोलने जा रही है तो सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और कुछ शर्तों के साथ, लोगों की रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे खोलना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। वहीं देश व प्रदेश में पार्टी के कृषि बिल पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर राणा ने कहा कि समूचे देश में कृषि बिल का विरोध हो रहा है, परेशान किसान धरना प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक व कानून जनता की सुविधा के लिए बने, ये जरूरी है, लेकिन कृषि विधेयक किसानों को सहूलियत देने के बजाय देश के कॉरपोरेटरों की सुविधा के लिए बनाया गया लगता है। अगर ये बिल पक्ष में होता तो किसान विरोध नहीं स्वागत करते। वहीं भाजपा नेताओं के कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में बिल को लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब कृषि विधेयक लाना चाह रही थी तो कांग्रेस की मंशा किसान को मजबूत करना थी, जबकि सत्तासीन BJP की साजिशें किसान को कमजोर कर रही हैं। विधेयक अगर किसानों के पक्ष में होता तो किसान आज सरकार के विपक्ष में ना खड़ा होता। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह धरने हुए हैं, लोग किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, और पंजाब में भी जगह जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब में आपने देखा होगा, दूसरे प्रदेशों में देखा होगा कि लोग जो है रेल पटरियों पर जो है बैठे हुए हैं। देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों की सुविधा के लिए नए विधेयक लेके आए, नए कानून लेके आए, कानून में सुधार करे। इसलिए नहीं है कि लोगों को उससे नुकसान हो। मुझे लगता है कि ये जो नया कृषि विधेयक लेके आए हैं ये कहीं